असलम वरह वा नदरी आपका इस्तबाल है हमारे प्रोग्राम पाँच मिनट के मदरसे में हमारा आज का पहला मौजू है कुरान अल्लाह ताला, ताला ने फरमाया बिलहक व कुरानल तरमायाबन मातफ़ुन खुद नबी ने कहा ए रब इंसाफ के साथ फैसला फरमा और हमारा रब बड़ा मेहरबान है जिससे मदद तलब की जाती है उन पर जो तुम बयान करते हो अक्सर अम्बिया जब अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की तरफ लोगों को दावत देने के बाद काफ़िरों की तरफ से मायूस हो गए तो उन्होंने ऐसे ही या इन्हीं जैसे अल्फाज में अल्लाह रब्बुल रबालमीन से दुआ की कि या अल्लाह अब तू ही इन काफ़िरों के और हमारे दरमियान इंसाफ़ के साथ फ़ैसला फरमा दे चुनानचे इस रसूल यानी नबी वसल्लम ने भी काफिरों को मुखातब करके फरमाया कि जिस तरह तुम अल्लाह की आयत का मज़ाक उड़ाते रहे हो और मुसलमानों को अपनी तजहीक और ितम का निशाना बनाते रहे हो तो इसके रद्द के तौर पर हम अपने परवरदिगार की तरफ ही रुजू करते हैं जो नहायत मेहरबान है ऐसे मुश्किल अवकात में इसी से मदद तलब करना चाहिए नादरीन इस आयत में मेरे और आपके लिए एक सबक़ है वो ये कि अगर आपको कोई तकलीफ़ देता है आपको परेशान करता है आपको किसी भी तरह से आप पर जुल्म करता है अगर आप उससे ताकत नहीं रखते कि आप अपना हिसाब बराबर कर सके तो आप या तो उसे माफ़ कर दीजिए और अगर आप माफ़ नहीं करना चाहते तो अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दीजिए आप ये कह दीजिए कि ठीक है तुमने मेरे साथ जो किया सो किया मैं अपना ये मामला अल्लाह की अदालत में रखता हूँ अल्लाह हमें इंसाफ ज़रूर दिलाएगा और याद रखिए अल्लाह रबालमीन हर एक को इंसाफ देने वाला है यही अम्बिया का तरीक़ा था मुझे और आप

के पास गए यह शख्स किसी बात का ढिंडोरा पीटने में माहिर था मशहूर था मुमताज था हजरत उमर ने इसे बताया कि वो मुसलमान हो गए इसने सुनते ही हायत बुलंद आवाज से चीख करके कहा कि खत्ताब का बेटा बेदीन हो गया है हजरत उमर उसी के पीछे पीछे उसके साथ जा रहे थे और कह रहे थे ये झूठ कहता है मैं मुसलमान हो गया हूं बहरहाल जब लोगों ने सुना कि हजरत उमर रजी अल्लाह रदील्ला मुसलमान हो गए तो लोग उन पर टूट पड़े और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी चुनाचे सही बुखारी की रिवायत में है हजरत इबन उमर रजी अल्लाह तबी हदी से कहते हैं कि हजरत उमर अपने घर में थे आज बिन वाइल सहमी ये सहमी कबीले से ताल्लुक रखते थे जिनका हजरत उमर रदी अल्लाह तु के कबीले से जो है मामला था ये उनके हलीफ थे जमाने जाहिलियत में आज बिन वाइल ने हजरत उमर से पूछा कि क्या बात है हज़रत उमर रदी ने कहा कि मैं मुसलमान हो गया हूँ इसलिए आपकी कौम मुझे कत्ल करना चाहती है आस ने कहा कि यह नामुमकिन है जब हजरत उमर ने आस बिन वाइल की इस बात को सुना तो कहते हैं मुझे इतमान हो गया इसके बाद आस वहाँ गए और लोगों से मुलाकातें की और उस वक्त हालत ये थी कि भीड़ वादी में कचाकच भरी हुई थी आसने उनसे पूछा आज बिन वाइल ने कहाँ का इरादा है लोगों ने कहा खत्ताब के बेटा जो है बेदीन हो गया है उसी के पास जाने का इरादा है उसने अपना रास्ता चेंज कर लिया है रास्ता तब्दील कर लिया है ये सुनते ही आस बिन वाइल ने कहा कि उस तरफ कोई राह नहीं है ये सुनते ही वो लोग वापस पलट गए और हजरत उमर पर हमला नहीं किया हज़रत उमर रजी अल्लाह तू के इस्लाम लाने का बहुत बड़ा असर मुसलमानों में हुआ हज़रत इबन मसरूद का इर्शाद है वो कहते हैं कि हम खाने काबा के पास नमाज़ पढ़ने पर कार न थे यहाँ तक कि उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया यानी जब उमर ने इस्लाम कबूल किया तो हम लोग खाने काबा के पास भी नमाज़ पढ़ने की ताकत रखते थे हज़रत सोहेब बिन सिनान रूमी कहते हैं कि उमर जब मुसलमान हुए तो इस्लाम परदे से बाहर आया उसकी ऐलानिया दावत दी गई हम हल्के लगा कर बैतुल्ला के गर्द बैठे बैतुल्ला का तवाफ किया और जिसने हम पर सख्ती की उससे इंतकाम भी लिया और इसके बाद मजालिम का जवाब भी दिया और एक रिवायत जो हजरत अब्दुल्ल मसरूद है बयान करते हैं कि जब से हजरत उमर ने इस्लाम कबूल किया तब से हम बराबर ताकतवर और बाइज़्ज़त रहे अल्लाह अकबर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत उमर अल्लाह रदील्ला के इस्लाम के जरिए से मुसलमानों को ताकत दी क़वत दी इंशाल्लाह और कुछ बातें जो सीरत के ताल्लुक से हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से हैं वो इंशाल्लाह आगे के में हम देखेंगे अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मेरे और आपके अंदर भी हजरत उमर जैसा ईमान पैदा करें उनके जैसा हौसला उनके जैसा जज्बा पैदा करें सहाबा जैसी ईमानी खुत हमारे अंदर पैदा करें ताकि हम भी जो है उनके नक्शे कदम पर चल सके आज के लिए बस इतना ही आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना फिर कुछ और बातों के, साथ। तब तक के लिए वो दीन की बात आम करने में आई प्लस टीवी की मदद करें पेटीएम या गूगल पे के लिए हमारे नंबर्स पर ट्रांसफर करें